हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने रफ री रफ के बारे में किया था, तो आज मैं फिनिशिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, मैं इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि ये सरफेस लिस्ट ग्रुप कर्व क्या होते हैं। तो आप इसमें पॉइंट्स में आप देख सकते हैं ये किस लिए होते हैं। तो आप जो जो वर्क करते हो ये वो यहाँ पर ऐड होता जाता है। तो और कैम एंटिटीज़ में क्या होता है, और ज्योमेट्री में क्या होता है, स्टॉक में क्या होता है, और इनका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अगला वीडियो इसके बारे में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको CNC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखनी है, G71 क्या है, G72 क्या है, और थ्रेडिंग कैसे पड़ती है CNC लेथ में, तो वो भी मैं आपको इसका वीडियो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ और CNC पे वो मैं वर्क करके आपको दिखाऊँगा, उसका वीडियो भी डालूँगा। अगर आपको वो भी प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जेड लेवल फिनिशिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा टूल। सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर का बाल एंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं सिलेक्ट स्ट्रेटजी करूँगा जेड लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जेड लेवल फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं करूँगा पार्ट मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले करूँगा इसको पार्ट मिनिमम। ओके, 37 mm। तो इसका जो RPM है मैं कर दूँगा 4000, और इसको कर दूँगा मैं मान लीजिए 1800, और इसको कर देंगे हम 1200, और स्टेप डाउन हम रख देते हैं 0.5, तो थोड़ा हमारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 कट लिंक डिस्टेंस एक हम यहाँ पे स्ट्रेटजी मिक्स रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम रैंप में अगर कटिंग करना है तो हमें लीड इन रखना है 1 mm, और मिनिमम लीड रेडियस 0.5। ओके, तो अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक मैं और प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं इसको क्रिएट करूँगा ऑप्टिमाइज जेड लेवल फिनिशिंग। ठीक है, बाकी सारा सेम पैरामीटर रहेगा, ऑटो में हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हमें करना है मिक्स, और हम यहाँ पे करेंगे स्पाइरल। ओके ओके, तो पहले मैं ये वाला इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको ये वाला दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसा होगा, क्योंकि जेड लेवल में ये होता है कि ये साइड में नीचे तक भी कटिंग करता है, और जेड लेवल प्लस ऑप्टिमाइज फिनिशिंग में ये होता है कि वो जेड के निचले पॉइंट पे भी करता है, और जो फ्लैट एरिया होता है जैसे ये पॉइंट हुआ इस पे भी वो फिनिशिंग करता है। और अकेला ऑप्टिमाइज में ये होता है वो सिर्फ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्लिक कर कटिंग करेगा, इस वाली वॉल पे, साइड वॉल पे कटिंग नहीं करेगा। तो आप देखोगे जेड लेवल पे ये सिर्फ ने सिर्फ जो जेड के हिसाब से नीचे डाउन जा रहा है ना, स्टेप डाउन, उस पॉइंट पे ही ये कर रहा है। देखिए आप, ठीक है ना, इस पॉइंट पे फिनिशिंग कर रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये अभी कंबाइंड है, जेड लेवल फिनिशिंग है और ऑप्टिमाइज, मतलब ये इस पॉइंट पे भी करेगा और इस पॉइंट पे भी। अभी आप देखोगे तो इसने यहाँ यहाँ फिनिशिंग नहीं किया, टूल हमारा गया नहीं, तो अभी इसमें ये फुल इसमें जाएगा, टूल करेगा। ठीक है, कटिंग करेगा, तो इसमें ये इस पॉइंट पे कटिंग करेगा। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारा टूल चले, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। इसमें पहले हम इसको करेंगे, फिर ऑप्टिमाइज जेड लेवल करेंगे, उसके बाद हम 3D ड्राइव करेंगे। ठीक है, 3D ड्राइव कर्व फिनिशिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे आप एक पर्टिकुलर एरिया में चाहते हो कि मेरा टूल सिर्फ उसी सरफेस पे चले जो जो मैं सिलेक्टेड कर रहा हूँ, तो ऐसा भी हो जाता है, यही इसकी खासियत होती है। और एक चीज़ और होती है वो मैं अभी बताता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेट हो जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीक में एक वीडियो या दो वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि
एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक सही नॉलेज आपको प्रोवाइड करवानी होती है। क्योंकि अगर इसमें मैं आपको गलत बता दूंगा, ऐसे ही कुछ बताता जाऊंगा, तो आपका नुकसान होगा, आपका फ्यूचर का नुकसान होगा। क्योंकि कुछ लोग आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। क्योंकि इतना महंगा मशीन होता है, VMC होती है, बहुत महंगी आती है, 40-45 लाख की आती है। तो देखिए आप यहाँ पे अभी ये फुली वर्क कर चुका है, हर एक पॉइंट पे ये हमारा टूल चल रहा है, इस पे भी चला, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, आप देखोगे, ओए मान लीजिए, अगर इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आप देखो, तो ये सारे पॉइंट इस पॉइंट पे भी चला, इस पॉइंट पे भी, सभी पे, ठीक है ना। ये ऑप्टोमाइज़ है। अगर इसको मैं अकेला ऑप्टोमाइज़ फिनिशिंग करूँगा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन राउंड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो हम ओनली ऑप्टोमाइज़ फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो मिनिमम पार्ट ओवर हम 37 रखते हैं, ओके, ठीक है। तो एक मैं और क्रिएट करता हूँ, सातवीं प्रोग्राम, मान लीजिए यहाँ पे हमने टूल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जो, तो इसका मैं कटिंग जो बाल एंड है वो मैं 8 मिलीमीटर का रखूँगा, ओके। और जो इसको मैं कट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, 3D ड्राइव कर फिनिशिंग, ओके। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सरफेस, और यहाँ पे मैं सरफेस ये सिलेक्ट की है, ठीक है, मैं इस सरफेस पे चलाना चाह रहा हूँ, तो सारा कुछ सिलेक्टेड है, ओके। तो पहले हमारा ऑप्टोमाइज़ वाला बन जाए, उसके बाद मैं आपको 3D, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सरफेस पे हम टूल चलाना चाह रहे हैं, वो भी हम चला सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम न्यू सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सरफेस, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा क्रिएट न्यू सरफेस ग्रुप, ओके। और जो जो सरफेस मैं सिलेक्ट करूँगा, मान लीजिए ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ न्यू, ठीक है। न्यू में हम ये सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया, अगर मान लीजिए आप होल्ड शिफ्ट और इसको सिलेक्ट करोगे, तो ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा, टोटल सिलेक्ट, ठीक है। अगर इसको करूँगा तो इसको, मान लीजिए अगर अभी ये सिलेक्टेड है, अगर हम किसी भी को भी इसको सिलेक्ट कर देंगे, होल्ड शिफ्ट इसको क्लिक करेंगे, तो जो सिलेक्ट वाला है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, जो सिलेक्ट नहीं है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये होता है। तो मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं सरफेस को, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। हम राइट क्लिक करेंगे, जब ये ग्रीन हो जाएगा जब, तो मान लीजिए हमारा सिलेक्ट हो चुका है, हमारे सरफेस लिस्ट बन चुकी है, ओके। तो अभी हमें आ रही, अब हम इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो हमें ये यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये कौन सी सरफेस है, ओके। तो हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका ऑप्टोमाइज। तो अब देखो, ये ओनली टॉप प्लेन पे चल रहा है, टॉप प्लेन पे, ठीक है ना। तो ये जेड में नहीं कर रहा, क्योंकि आप इस पॉइंट पे, अगर ये खाली है, तो इस पॉइंट पे कटिंग का मतलब क्या है, ये जेड में कटिंग करेगा, जेड जैसे माइनस जाएगा, जेड लेवल में कटिंग करेगा, ठीक है ना। अगर आपको मैं इसको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, तो आप देखिए, थोड़ा सा इसको मैं फास्ट ही करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए सिमुलेट करने की दिक्कत हो जाती है। तो देखिए ये कितनी फास्ट फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमाइज़ होता है कि टॉप प्लेन पे ही ये काम करेगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा, जैसे जेड लेवल माइनस में जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको जनरेट कर रहे हैं प्रोग्राम को, आप देखोगे, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो सरफेस सिलेक्टेड की है उसी पे ये काम करेगा, दूसरी पे ये काम नहीं करेगा। इसको ऑप्शनल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हो, आप CNC की प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहते हैं, और VMC का मैनुअल प्रोग्राम भी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके हिसाब के आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, और आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मुझे कैसे, हम इसको रन करके दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूँ थोड़ा ये। तो देखिए, जो जो सरफेस हमने सेलेक्ट की थी, उसी सरफेस पे ये हमारा वर्क कर रहा है, उसी दायरे में हमारा टूल चल रहा है। तो आप इसको अलग अलग स्ट्रेटजी से अपना टूल पाथ जनरेट कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, रीरफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, अपने कंपोनेंट के हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं ये सरफेस सेलेक्ट करूँगा, ओनली इसी सरफेस पे ही मेरा टूल चलेगा। मान लीजिए अगर मैं इसको कट कर देता हूँ,
मैं न्यू सरफेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, न्यू सरफेस लिस्ट, मान लीजिए मैं इन तीन पॉइंट पे काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए नहीं। डू यू वांट टू वैलिड सरफेस, कैंसिल, ओके ओके। मैं चाहता हूँ मैं इसी पे ही काम करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे और पे चल जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। इसी को अगर मान लीजिए हमारा जेड यहाँ पे एक्स वाई जेड इस पॉइंट पे जीरो है, तो अगर हम इस पे चला रहे हैं तो वो उसी पॉइंट पे ही चलेगा। तो आप देख सकते हो जिस पॉइंट पे मैं सिलेक्ट किया है ये उसी पॉइंट पे चल रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, इसकी अपना एडवांटेज है। इस स्ट्रेटजी का यही तरीका एक अच्छा है इस 3D ड्राइव फिनिशिंग का, कि आप जिस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे वहीं पे टूल चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें एंड शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, खुश रहें, अच्छा काम करें और वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।